नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 10 मई और बुधवार। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें आज से शुरू कर देते हैं। राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ, राजस्थान में अब विदेशी शराब की कीमत हो चुकी है फिक्स। राजस्थान एक्साइज डिपार्टमेंट ने 15 ज्यादा ब्रांड की तय की रेट लिस्ट, MRP भी बढ़ा दी है। राजस्थान में शराब पीने वाले शौकीन लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। दरअसल आबकारी विभाग ने विदेश से इंपोर्ट होकर भारत में आने वाली शराब की रेट्स फिक्स कर दी हैं। विभाग ने इन शराब की रेट्स का निर्धारित नहीं की थी, इसके कारण ये गैर कानूनी तरीके से राजस्थान के ठेकों पर बिक रही थी, जो पास के राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से मंगवाई जा रही थी। इस बार आबकारी विभाग ने जो रेट्स इन शराब की तय की है, इसकी MRP भी बढ़ा दिए हैं। आबकारी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में पिछले साल विभाग की ओर से विदेशी शराब की रेट्स तय कर दी थी, लेकिन कंपनियों ने उसे मानने से मना कर दिया था। इस कारण अधिकांश दुकानों और होटल बार जो शराब बेची गई वो सब गैर कानूनी थी। इससे विभाग को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े होटल जो 3 सितारा हैं और बार में विदेशी शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा होटलों में होने वाले आयोजन और पार्टी में भी अधिकांश विदेशी शराब ही दी जाती है। 150 करोड़ रुपए का मिलता है रेवेन्यू। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में एक साल में अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब की 2 लाख से ज्यादा पेटियां बिकती हैं। एक पेटी पर अलग अलग मद में सरकार को करीब 6 से लेकर 7 हजार रुपए का रेवेन्यू मिलता है। इस तरह का एक साल में सरकार को करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू विदेशी शराब से मिलता है। प्रदेश की बड़ी खबर, जिसका जीवन पैसे पर है उसे सिर्फ पैसा दिखता है। गहलोत पर पायलट बोले, उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है, ये पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसी बातें मुझसे भी की जाती हैं, लेकिन मैं मंच पर ये कहूं तो ये शोभा नहीं देता। सचिन की दो बड़ी बातें इन सभा में कहें कि अब मैं ना उम्मीद हूँ। पायलट ने कहा कि हमने दिल्ली जाकर अपनी बात कही, वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार कर कई महीनों तक चिट्ठियां लिखी, अनशन पर भी बैठा, तब भी जांच नहीं हुई, तो समझ में आ रहा है कि क्यों एक्शन नहीं लिया। अब मैं ना उम्मीद हूँ, जनता ही भगवान है। जनता के सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई को अजमेर से जयपुर तक सचिन पायलट यात्रा निकालेंगे। 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होगी और इसमें 5 दिन का वक्त भी लगेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, राजस्थान के 70 लाख स्टूडेंट्स को हर दिन मिलेगा फ्री दूध, मिल्क पाउडर से तैयार किया जाएगा दूध। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सरकार आम जनता को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को नए शैक्षणिक सत्र से हर दिन फ्री दूध देने का फैसला किया है। मंगलवार को राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल योजना की समय अवधि को 4 दिन तक बढ़ा दिया है। ऐसे में जो विद्यार्थी स्कूल जाएगा उसे शैक्षणिक दिनों यानी सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार में फ्री दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के लिए 866 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 98 साल के बुजुर्ग की पेंशन देने घर पहुंचा प्रशासन, महंगाई रात की होम डिलीवरी। जोधपुर जिले के बालेसर दुर्गावता गांव में महंगाई की रात कैंप के अधिकारी 98 साल की बुजुर्ग महिला का पेंशन सत्यापन कराने उनके घर पहुंचे हैं और गारंटी कार्ड दिया है। लाभार्थी बुजुर्ग महिला मथुरा देवी नेत्रहीन है और इसी के साथ ही निसंतान होने के साथ ही पति एवं परिवार से भी वंचित रहकर एकल नारी के रूप में दूर के रिश्तेदार पर आश्रित है। ऐसे में प्रशासन उनके घर पहुंचा है। प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता है कि वो 98 साल की बुजुर्ग की पेंशन देने घर पहुंचा है। महंगाई रात की होम डिलीवरी होने लगी है। कैंप अटेंड नहीं करने वाले अधिकारी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करने की मांग। शिक्षक संघ ने सीएम को दिया ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत करेगा आंदोलन। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष ने अहम जानकारी दी है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए अविलंब तबादला प्रक्रिया शुरू करने की मांग हमारी कई समय से है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में इसी के चलते आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी अभी और तेज होगी।
बाड़मेर कोटा फलोदी में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। अगले दो दिन में बढ़ेगा पारा। कोटा भीलवाड़ा जोधपुर समेत राज्य के अब गर्मी तेज हो गई है। कल राज्य 15 शहरों में दिन का तापमान अभी अधिकतम है वो 40 डिग्री सेल्सियस का उससे ऊपर दर्ज हुआ है। इसी के साथ ही अब अगले दो दिनों के भीतर गर्मी और तेज बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहरों और गाँव में कूलर चलने शुरू हो गए हैं। पानी की मांग बढ़ चुकी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट खेमे के विधायक बोले किसे मिले हैं 10 करोड़। गहलोत के आरोपों पर सीएम बताएं राहुल के दौरे से पहले फिर खींची तलवारें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रसार का शोर थमने से पहले ही राजस्थान की सियासत में उठा तूफान और बढ़ता दिख रहा है। सचिन पायलट गुट और भाजपा नेताओं पर सीएम अशोक गहलोत ने 10-10 करोड़ के लेन देन का खुला आरोप लगाया है। एक दिन पहले ही सीएम ने धौलपुर में एक सभा के दौरान सचिन पायलट कैंप पर बगावत के वक्त बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप दोहराया है। साथ ही अमित शाह को पैसा वापस लौटाने की सलाह दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हर साल बंद हो रहे हैं 1000 स्कूल। बिजली और पानी की भी कमी, 7000 से ज्यादा स्कूल एक एक टीचर के भरोसे। साल के आखिर में चुनाव है, जनता से जुड़े मुद्दे जानने के लिए कराए गए एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान में लोगों ने शिक्षा में सुधार को सबसे बड़ी जरूरत बताई थी। मीडिया ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि कहीं जर्जर भवनों में स्कूल संसाधित है तो कहीं शिक्षकों की कमी से कक्षा ही नहीं लग रही है। 7560 स्कूल तो एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। 10 साल में 13000 स्कूल कम हुए हैं, अब 72000 से अधिक स्कूल है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर, जयपुर सादुलपुर ट्रेन 12 मई से रोजाना हनुमानगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर तक चलेगी। जयपुर से सेकावटी गंगानगर तक आने जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से जयपुर से सादुलपुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन को अब गंगानगर तक चलाया जाएगा। ये ट्रेन अब सप्ताह में 5 दिन के बजाय 7 दिन चलेगी। इससे गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत दूसरे शहरों में आने जाने वाले यात्रियों को सीधा फायदा होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जयपुर ब्लास्ट के दोषियों की रिहाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। 250 वार्डों में बीजेपी कार्यकर्ता धरने के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 15 साल बाद कैसे आई तेजाजी की याद, हनुमान बेनीवाल। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खरनाल दौरे को सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक मजबूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि राजे 11 मई को खरनाल स्थित लोक देवता तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने के नाम पर खुद के राजनीतिक लक्ष्य को साधने के उद्देश्य से आ रही है। बेनीवाल ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2008 में वसुंधरा राजे ने जब तेजाजी के मंदिर में 11 लाख रुपए देने की घोषणा की तो अब तक क्यों नहीं दिए, और 15 वर्षों के बाद उन्हें तेजाजी की याद कैसे आई। सत्ता में रहते समय उन्हें तेजाजी की याद नहीं आई और उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो वे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजाजी के दर्शन करने आ रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राज्य के करीब 5.25 लाख विद्यार्थी देंगे पीटीटी परीक्षा। राज्य की 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए एवं बीएड बीएससी बीएड कोर्सेज में प्रवेश के लिए 21 मई को सुबह 11:00 से 2:00 बजे तक पीटीटी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस वर्ष इस राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को दिया जाया है। विश्वविद्यालय ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रवेश पत्र कब जारी होंगे, 15 मई से एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।